मुझे अपना काम बहुत जुनून के साथ, बहुत रस के साथ करना पसंद है। तो जहाँ भी मैं बैठती हूँ, चाहे वो पढ़ाई की टेबल हो, चाहे वो मेरा क्लास लेने वाला जगह हो, तो वहाँ पर एक रसमय जीवंत माहौल आपको ऊर्जा से भरे रहेगा। और इसके लिए हम बहुत छोटी सी एक ट्रिक या कहिए कि सृजनात्मक एक्टिविटी कर सकते हैं। कुम्हार के यहाँ से ये छोटा सा फ्लावर पॉट ला सकते हैं, बहुत सारे शेप्स में मिलेगा आपको ये। और उसमें ये बुके वाले फोम हैं जो पानी को रिटेन करते हैं और देर तक पानी को रिटेन करके रखते हैं। इसकी एक ब्रिक 20 रुपए की मिली थी सर। तो इस फोम ब्रिक से मैंने एक छोटा सा पीस काट के इस तरीके से अपने फ्लावर पॉट में भर के और उसके बाद इसमें पानी भरा, ये फोम पूरा पानी सोख लेगा। उसके बाद जहाँ पढ़ाई की टेबल है, जैसे लैपटॉप है, अगर फ़ोन है, तो हम पानी का कोई सामान वहाँ नहीं रख सकते। तो फिर हम इस फ्लावर पॉट को पूरा उलट कर इसका पानी सिंक में निकाल देंगे। अब सिर्फ गीला फोम है। फिर हम ये रात रानी की पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों में खासियत होती है कि जो पत्तियाँ पुरानी हैं, मजबूत हो जाती हैं, वो 6 से 7 दिन तक जीवंत रहती हैं, ताज़ी रहती हैं। तो इनको हम इस फ्लावर पॉट में अपनी सृजनात्मक स्वतंत्रता लेते हुए सेट कर देंगे और इनसे हमारी पूरी टेबल या किचन बिल्कुल हरा भरा, ताज़ा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहेगा। ये हमको अंदर से खुश रखेगा। तो इसको हमने अच्छे से सेट कर दिया और उसके बाद ये हमारे टेबल को एक ताज़ा एहसास देने के लिए तैयार है। और फिर एक छोटा सा काम और किया जो इसको और भी सुंदर बना देगा, और वो है इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देने से एक भीनी भीनी गुलाब की महक आती रहेगी। तो गुलाब जल की कुछ बूंदें इसमें हमने डाल दी। अब ये हरा भरा छोटा सा ईश्वर का संदेश, प्रकृति की कविता हमारी टेबल को खूबसूरत और आकर्षक बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा हम इस तरह का शेप भी ले सकते हैं और इस फोम को कट करके या फिक्स करके और पानी भर के उसमें भी फूल या पत्तियां सेट करके उससे अपनी टेबल को, किचन को, जहां हम बैठते हैं, जहां हम सोते हैं, उस जगह को एक आध्यात्मिक टच दे सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय और है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं करती हूं, और वो है जो फूल गिरने वाले होते हैं, मैं उन्हें ले आती हूं, खासकर गुलाब। एक कांच के बोल में पानी भर के उसमें कुछ ड्रॉप गुलाब जल की डाल के और ये फूल मैं रोज़ बदल देती हूँ। और ये भी मैं अपने काम करने वाली जगह रखती हूँ, पर इसे रखते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ना हो इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसको पानी से नुकसान होता हो। तो ये हम हर जगह नहीं रख सकते, लेकिन ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो आपके बच्चे को ईश्वर से जोड़ने की एक सूत्र साबित हो सकता है। आपकी टेबल, आपके बच्चे की टेबल, आपका किचन सृष्टि के संगीत से लयबद्ध हो सकता है।